वो साइकिल लेके घर से अर्जुन गेट की तरफ निकला। कुछ लोग कह रहे हैं ये अचानक गिरा है, और वो खुद भी बयान दे रहा था भाई मेरे को किसी ने साइड मारी, मैंने चोट ज़्यादा लग गई थी उसको और ब्लीडिंग हो गई थी, सारा खून निकल गया था। ਤਾਂ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਛੁੱਟੀਓ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਤਾ ਥਾ 1.5 ਸਾਲ ਸੇ, ਤੋ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ वो साइकिल लेके घर से अर्जुन गेट की तरफ निकला, तो अचानक वो वहाँ गिर गया साइकिल से। और बेटा तो ये बता रहा है भाई मेरे को किसी ने साइड मारी, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं ये अचानक गिरा है, और वो खुद भी बयान दे रहा था भाई मेरे को किसी ने साइड मारी, मैंने अब ये पता नहीं है भाई किसी ने साइड मारी है। सीवरेज का ढक्कन खुला नहीं हुआ ना, वैसे सड़क थोड़ी सी क्रैक हो रही है, तो हम ये सोच रहे हैं शायद उस गड्ढे में लग के वो गिरा हो। बाकी जो बयान वो लेके गया है खुद, उसमें वो कह रहा था मेरे को किसी ने साइड मारी। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस पुलिस वो ही उठा के ले गए, हॉस्पिटल ले गए कल्पना चावला। तो चोट लग गई थी ज्यादा उसको? चोट ज्यादा लग गई थी उसको और ब्लीडिंग हो गई थी, सारा खून निकल गया था शरीर का। तो हॉस्पिटल में पहुंचे, उन्होंने फिर रावल हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया, फिर वहाँ लेके गए, वहाँ से फिर उन्होंने रेफर कर दिया चंडीगढ़ के लिए। तो रास्ते में शाहबाद पार करने के बाद आदेश हॉस्पिटल है, वहाँ जाके फिर उसकी डेथ, जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री की उन्होंने चेक किया तो वो बता। तो सर ये कलंदरी गेट के अंदर हुआ। और रहता कहाँ था बच्चा? ये रहने वाला कलंदरी गेट है, ये हमारे पास मामों के घर आया हुआ था जी। अच्छा। अब ये छुट्टियाँ पड़ी थी, अपनी मम्मी पापा को मिलने के लिए आया था, तो बस 5-7 दिन हुए थे यहीं था, बल्कि शाम को उसकी वापसी थी। अच्छा, कल शाम को? हाँ, कल शाम को ही वापसी थी। कपड़े कुपड़े उसकी मम्मी ने लेके दिए थे, चलो कोई बात नहीं घूमने आया कपड़े ले जा। सुबह ये 10 बजे का हादसा हो गया, ये बात हो गई। परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में एक सिस्टर है, उसकी अकेले लड़का था, मम्मी पापा दादा। सिस्टर छोटी है? छोटी है जी, सिस्टर छोटी है अभी, नॉर्मल सा परिवार है। तो हालांकि सिर्फ 5-7 दिन के लिए माँ से मिलने के लिए आया बच्चा और ऐसा कुछ हो गया, बस क्या कह सकते हैं हम, मम्मी पापा को मिलने आया था यहाँ पे, ये काम हो गया। तो क्या साइकिल का ही कोई चीज उसको ऐसा लग गई थी? साइकिल का जो हैंडल है ना, हैंडल के नीचे ब्रेक है, देखा तो हमने भी नहीं, सुना हुआ अभी ब्रेक लगी है। अच्छा। जो अंदर ही काफी अंदर चली गई थी, उस लड़के ने अपने आप ही निकाल लिया। अच्छा। तो उसको नस कट गई है, क्या हुआ मतलब क्या नहीं, पेट के अंदर चली गई थी वो, बिल्कुल चली गई थी। चली चढ़दी कला टाइम टीवी ली करनाल तो परमजीत कौर की रिपोर्ट।